देखिए, बाबर आजम के लिए मेरा ये सजेशन है कि वो अपनी क्रिकेट पर फोकस करें। यकीन करें कि जब मैं छोटे बच्चों से मिलता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि बाबर आजम से ये मैसेज दे उनको कि वो परफॉर्म करें। और बाबर आजम के लिए देखिए यही है कि वो अपनी परफॉर्मेंस करें। और देखिए, जब आप बाबर आजम क्यों कैप्टन बने थे, और मुझे याद है मैं भी उस वक्त मैंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया था, उस वक्त यही बिहाइंड ये जो फैसला हुआ था कि जो सबसे बेस्ट प्लेयर है वो ये पाकिस्तान, क्योंकि उस वक्त इतना ज़्यादा चॉइसेस नहीं थे, तो बाबर आजम सबसे बेस्ट प्लेयर थे और सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे। तो वो जो है ना, उन्होंने उस वक्त यही सोचा, उस वक्त चेयरमैन ने, और मैं भी मेरे भी मेरे सामने ये फैसला हुआ था कि जो सबसे बेस्ट प्लेयर है उसको टीम का कैप्टन होना चाहिए। तो भाई, बात दरअसल में ये कि आज अगर बाबर आजम या जितने भी बाकी टॉप के प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस बोलेगी। तो मेरे ख्याल से मैं एक बात ये देखता हूँ, बाजूकात जो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बाजूकात वो खेलते कम है और बोलते ज़्यादा हैं। देखिए, ये बोलने का काम तो हम जैसे रिटायर बंदे का पर्सन का काम है। मैं यहाँ बोल के कोई भी भाषण दे सकता हूँ, क्योंकि देखिए हमारी क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। तो मैं क्रिकेट खेलते हुए, अगर आपको याद हो, मैं आपको नज़र भी नहीं आता था, मैं दूर एक स्टेबल में रहता था और सब मुझे ढूंढते थे। फोकस आपका क्रिकेट होनी चाहिए, हर दिन आपको परफॉर्म करना है। क्योंकि देखिए, अब मीडिया बहुत ज़्यादा होगी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी। बाबर आजम से हम सब ये समझते हैं कि वो हर मैच में आएंगे और हर मैच में 100 रन करेंगे, 100 नहीं करेंगे तो भाई वो प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से इतनी एक्सपेक्टेशन है, प्लेयर्स को अब क्रिकेट ज़्यादा खेलनी चाहिए। और उनको जो अपने सोशल मीडिया में, बिल्कुल ये नहीं कर रहा सोशल मीडिया को नहीं रन करें, करें, लेकिन आपको अपनी जो मैं समझता हूँ जो हमारे कोचेज ने हमें सिखाया कि बैट और बॉल की ये जंग है, तो आपकी आपका बैट और बॉल बोलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपके खुद ऑटोमेटिकली आपके सारे क्रिटिक्स जो होंगे वो आपके साथ हो जाएंगे। मेरे जो मैं अपने करियर की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे क्रिटिक्स थे, और ऐसा भी हुआ कि मैं इसको बिल्कुल गलत बयान नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भी हुआ कि मेरे मुताबिक किसी ने कुछ कहा है, आप लोगों में से किसी ने भी बात की, तो उसमें कुछ था तो उन्होंने, आप लोगों ने कहा, और मैंने वो जो पेपर था वो मैंने रखा, और रोज़ाना सुबह दोपहर शाम वो मैं देखता रहा, उससे मैं मोटिवेशन लेता रहा। देखिए, मोटिवेशन आप एक पॉइंट से भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर्स हैं माशाल्लाह से, इतने स्पॉन्सरशिप हैं, इतना नाम है, और आज तो सोशल मीडिया में आप एक परफॉर्म करते हो तो आप कहाँ कहाँ तक जाते हो। मैं तो सईद अनवर की बस सोचता हूँ, ज़हीर अब्बास का सोचता हूँ, जावेद मियादाद का सोचता हूँ, और ऐसे ऐसे बहुत बड़े प्लेयर्स को देखता हूँ और सोचता हूँ कि अगर वो आज के दौर में होते तो कितने वो पॉपुलर होते। तो मेरे ख्याल से देखिए, आपका आपकी परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए, और मेरे ख्याल से आपकी फिटनेस इम्प्रूव करें, अपने एथिक्स अच्छे करें, और इंडियन में ज़रूर सोचें कि देखें हम अगर अपने नेशनल लेवल पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इस कौम के, और ये कौम आपकी हालत सामने है, कितनी कितनी मुश्किलात में। एक क्रिकेट ऐसी है कि वो जो है आपको कहाँ से कहाँ लेके जाती है, और कोई एक बंदा भी कोई अचीव करता है तो कितना पॉपुलर होता है। तो मेरे ख्याल से देखें, आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें, अपनी फिटनेस पे फोकस करें, और ये सोचें कि ये जो हमारे पास ये जो मौका है ये बार बार मौका मिलना नहीं है। मेरे पास वो मौके थे, मैंने यकीन करें मैंने कोशिश की कि मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने के लिए। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे नंबर 3 खेलना है, मुझे ओपनर जाना है, मुझे नंबर 6 खेलना है। मुझे हमेशा ये होता था कि भाई अगर टीम को जहाँ ज़रूरत है मुझे वहाँ खड़ा कर दो तो भाई मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे फिर नहीं लगता था कि मुझे दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम के लिए कि भाई ये मौके हैं, माशाल्लाह से टॉप के प्लेयर, इतनी छोटी उम्र में इतनी उन्होंने अचीव कर लिया है, अब इसके बाद आगे क्या करना है। ये कैप्टनसी तो बहुत बहुत एक छोटा सा वो है, मेरे ख्याल इससे बाहर निकले और परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान के लिए वंडर्स करें। और बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि मैंने तो सिर्फ 10,000 रन करें, वो 15,000 रन तक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस कंट्रोवर्सी से बाहर जाना पड़ेगा। आपके सामने विराट कोहली है, विराट कोहली ने आपके सामने कैप्टनसी छोड़ी है और ख़ुद छोड़ी उसने, और आज उनके परफॉर्मेंसेज देख लें, वो सारे दुनिया के रिकॉर्ड्स जो है तोड़ने चले हैं। मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर्स हैं वो टीम के लिए खेलें, और अगर थोड़ा बहुत एनर्जी बच जाए तो भाई फिर अपने लिए खेलें। मैं तो ये सोच होती थी, तो मेरे ख्याल इस सोच से खेलेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम कराची के प्लेयर्स को मौका नहीं दे सके, और ये जो अभी बातें हो रही हैं कि जो 10 जो है ना एथलीट निकलेंगे उस पर मैं उसको कोचिंग करूँगा, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा उनको, तो ये हमने अचीव करना है। अगर मैं आज अपनी क्रिकेट की बात करता हूँ तो मैं अगर आज ये यूनुस खान बैठे हैं 10,000 रन है, तो उसमें सबसे पहले मेरा जो पहला क्लब था स्टील टाउन जिमखाना, अलदी जिमखाना, और उसके बाद मलिर जिमखाना का बहुत बड़ा हाथ है।
इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि कराची के जितने प्लेयर्स हैं और कराची की जो ऑनरशिप हमने लेनी है, और आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि सिंध प्रीमियर लीग सिंध में होनी चाहिए, और उसमें जो सिंध की जो हमें हमेशा यहाँ सिंध में प्रॉब्लम होती है, मैं भी जब इंटीरियर सिंध जाता हूँ हमेशा से मुझे ये बात कहते हैं, वो सब ये कहते हैं कि शायद सिंध सिर्फ कराची या हैदराबाद है, ऐसा नहीं है। देखिए सिंध सक्कर भी है, सिंध लाड़काना भी है और नवाबशाह भी है, तो मेरे ख्याल से वहाँ के प्लेयर्स को जो है ना बहुत आगे आना चाहिए, और सिर्फ शाहनवाज दानी या मोहम्मद जायद की उसमें नहीं आना चाहिए, और भी बहुत से प्लेयर आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये हमें इसको डिसाइड करना है जब, जबकि अगर कराची की हम बात करें तो फिर कराची के ऊपर हमें प्रमोट करना।